नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाटपार रानी। दोस्तों, झारखंड की गिनती भारत के सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्यों में की जाती है। प्राकृतिक की छटा यहाँ काफ़ी निराली है। जंगल, पहाड़, पठार तथा नदियों की यहाँ भरमार है। झारखंड की गिनती भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में भी होती है। हालांकि कल कारखानों, कोयला खदानों तथा उन्नत कृषि होने से प्रदेश की विकास दर में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें दुमका जामतारा रेल लाइन भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दुमका से होते हुए नाला कुंडहित के रास्ते जामतारा को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के बारे में। इस नए रेल मार्ग की लंबाई 76.25 किलोमीटर है। परियोजना के तहत इस नए रेल मार्ग पर 9 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाली इस रेल मार्ग के सर्वे का कार्य अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था, जो हाल के समय में भी चल रहा है। जल्द ही रास्ता साफ होगा कि सर्वे को पास किया गया है, जिसके बाद टेंडर जारी कर भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा तथा बाकी सभी कार्यों पर भी मंजूरी प्रदान होगी। इस नए रेलवे लाइन के आने से आसनसोल, दुर्गापुर, धनबाद जैसे शहरों की दूरी घटेगी। साथ ही दुमका से कोलकाता के लिए नया रेल मार्ग मिलेगा, जिसके चलते स्थानीय लोगों की सीधी कनेक्टिविटी कोलकाता जैसे बड़े शहरों से हो जाएगी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को पैसे तथा समय की बड़ी बचत होगी। रोजगार, व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा तथा यातायात के संपन्न साधन उपलब्ध होंगे। दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान में कई और रेल परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में, किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमें महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।